This video is a tribute to Ustad Mulazim Hussain Sahib, an amazing tabla player I met in the late 1990s in New York. It was part of a student film project and I was shooting many South Asian musicians who played on East 6th Street restaurants in Manhattan. And Mulazim Hussain Sahib always stood out as someone really special. It was so magical to watch him play, and musicians from all different genres would actually bring their drums over to the restaurant in this tiny little corner and jam with him all night. He was an immigrant waiting for a green card in New York, but truly felt at home there. Sadly, Mulazim Hussain Sahib passed away only a few days before he was scheduled to be on a flight back to Lahore. Although this footage is 17 years old, I'm hoping that this story can reach his family and friends who can celebrate this wonderful man's life and the generosity with which he shared his music with all of us. Thank you so much, Mulazim Hussain Sahib. Your beats will never be forgotten. Fourscore and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. This nation, under God, shall have a new birth of freedom. Very lucky, fortunate to have met Khan Saab Mulazim Hussain. He's a gift from on high, and just to know him is to be blessed, and to study with him is indeed a great blessing. I feel very fortunate to have been his friend and his student. When he plays, one is enraptured. Same like this, one piece take. Then we play. Coming from a different tradition, I am trying to get an inkling as to some of what he's doing. And slowly, I'm beginning to understand a small little smidgen of what he's doing. I think if I had a few more lifetimes to live, maybe I'd understand a little piece of it. ये राग रंग है, राग जंग नहीं है। आपस में राग जब छेड़ो मिलकर बैठोगे तो राग टाइम का राग बजाओगे तो सब लोगों को ऐसे ऐसी फीलिंग हो जाती है कि वो फेस से ये पता चलता है कि जाने यार कितना खुश है ऐसे जाने क्या कुछ मिल गया है सुनने वाले को और गाने वाले को अगर टाइम के मुताबिक राग बजाया जाए और उसको उसी तरीके से बजाया जाए जैसे बुजुर्गों ने उसको तरतीब दिया एक हमने मास्टर चंडे खां की किताब पढ़ी तो एक आदमी था जो बोलते थे कि वो एक आदमी ऐसा था कि जिसे संगीत हिफ्स हो गया था उसे जैसे एक चीज राग की और इसके संगीत जो था उसे हिफ्स था उस शख्स को तो अब वो ये सोचने लगा भाई यार अब मौसीकी तो ये खत्म मैंने कितनी बड़ी देख ली है तो एक बुजुर्ग आए उसे उन्हें कहने लगे भाई आ इधर आ तुझे आज नई दुनिया दिखाएं कहीं ले जाएं तो वो एक गांव में एक शहर में चले गए वहाँ क्या देखते हैं कि सारा शहर किसी का कान नहीं है किसी का आँख नहीं है किसी का पाँव नहीं है किसी का हाथ टूटा हुआ है वो सारा का सारा शहर ऐसे है जैसे कोई इसको पता नहीं क्या है तो हुआ है तो वो उससे सवाल करता है बुजुर्ग वो संगीत जिसने पेपर था तो भाई ये क्या है क्या ड्रामा है वो कहने लगे भाई इधर आओ आप इस रन से पूछो ये कौन लोग हैं तो बाकी बाड़ी उन लोगों ने पूछा उसे उस भाई ने पूछा भाई क्या है आप कौन लोग हैं क्या हो गया आपको वो कहने लगे जी मैं भाई अरे ये भाई हमारा ये एक मुल्क है हमारा मुल्क है हम राग और रागनियाँ हैं हमें बुजुर्गों ने तहसील दिया बनाया
और इस दौर के ना एल गवैयों ने हमें मेरा कान किसी को लगा दिया उसका, जैसे हमारे वो एक राग में मिशन बहन उसको बोलते हैं, वो जो असूल या जो ला या कानून है म्यूजिक की फील्ड का उसमें नहीं है। उसमें यही है कि अगर आप जो चाहते हो जो राग बजा रहे हैं उसका टाइम देखो क्या रखे, जिस तरह मैं सुबह बैठा हूँ दोपहर का टाइम है ये 2 बजे का टाइम है, मैंने क्या राग बजाना है। रात को शाम को प्रोग्राम होते हैं ज़्यादा गाने बजाने वाले, अब उनको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा यार अभी 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे से 10-12 बजे तक कौन से राग हैं तो जो मुझे गाने चाहिए। म्यूजिक की फील्ड में ये लोग बहुत आगे हैं। ऐसा क्यों आपके सोचते हैं? ये है, नहीं सोचते नहीं, हकीकत है ये है कि इन लोगों को जो इन लोगों का स्टाइल है वो हमारे मुल्क से अलहदा है कि ये भी जो भी करते हैं उसको लिखते हैं, उसका एक जिस्म बनाते हैं, उसकी एक बॉडी बनाते हैं और लिखा हुआ पढ़ रहे हैं और बजा रहे हैं। इन लोगों का ये असूल है, ये जो कॉलेज में स्कूल में बच्चे भी जो जो कुछ भी उनको लेसन मिलता है वो लिख लेते हैं और लिखने के बाद वो वायलिन या कुछ भी बजा रहा है, वो पढ़ रहा है साथ साथ बजा रहा है। तो ये अब हमारे मुल्क में ये है कि हमारे बुजुर्ग जो अभी हमारा जो दौर सीना बाई सीना हुआ था, एक बोल बताया है ताकड़ धिर धिर कृतकदार नकदे कृदान, अब ये बोल याद करने के लिए कम अज कम महीना चाहिए था। तो उस्ताद बताते थे एक एक टर्न, अबे चल ये आज ये 2 टर्ने बोलनी है ताकड़ धिर धिर कृतकदार, ये अब याद कर रहे हैं। तो दूसरे दिन गया उस्ताद के पास, उन्हें कहा ताकड़ धिर धिर कृतकदार दिन्ना कृतकदार नकदे कृदान दिन्ना कृतकदार, ये आज बनाओ साथ। तो उस वक्त और हमारे मुल्क में ये स्टाइल है कि वो जबानी सीना सीना याद कराते हैं, तो उसमें टाइम लगता है याद करने में भी, याद करके भूल भी सकता है, मगर ये लोग जो हैं ये इस मामले में बहुत आगे हैं, लिखते हैं और उसका एक जिस्म बना के एक बॉडी बना के उसको बजाते हैं गाते हैं, इसलिए ये आगे हैं। तो जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो इंसान जो जो उसी का होता है, उस्ताद बोलते थे भाई एक दिन आपने छोड़ दिया तो ये आपको 40 दिन छोड़ जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस तो जो मेहनत करने का शौक रखता है जिसका भाई मेरा नाम हो तो वो प्रैक्टिस जरूर करेगा। और इंस्ट्रूमेंट वाला अलहदा अकेले में प्रैक्टिस कर सकते, जैसे अब सतार वाला है उसको उस्ताद ने पलटा बताया सारे गामा पाता नहीं जाना नहीं ना पावा गा सारे गामा रे गामा पा रे, तो वो अगर वो उसके जो तबला है जो टेम्पो है उसके जहन में होगी तो इस पलटे को उस टेम्पो के हिसाब से बजाएगा। तो ये उस्तादों ने जो बनाई ये भी ऑटोमेटिकली टेम्पो है, सारे गामा पादा नहीं सा, ये सात हैं सुर तो सात हैं, तो ऊपर सा जो इस्तेमाल किया जाता है तो वो टेम्पो के हिसाब से 8 सुर हो जाते हैं, सारे गामा पादा नहीं सा सानी दा पामा गारे सा, तो वो 8 सुर होने के बावजूद वो टेम्पो बन जाती है। तो वो उस्तादों ने बनाया सारे गा रे गामा गामा पा मा पादा पादा नी दानी सा, तो सारे सारे गा ये अब टेम्पो बनती जाती है, ये दादरा है सारे सारे गा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा मा पा गा सारे 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 गा मा रे गा रेगा मा पा, ये सब उस्ताद जो पलटे बताते हैं और शागिर्द प्रैक्टिस करता है, ये टेम्पो उस्ताद उन्हें एक किस्म के टेम्पो बताता है और टेम्पो और प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली, टेम्पो अगर है तो प्रैक्टिस करेगा तो टेम्पो के साथ अगर प्रैक्टिस करेगा जहन में रख के तो अच्छा हो सकता है और अच्छा होगा। तो सब लोग उस्ताद लोग जो हैं वो ये 2-2 फिंगर इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन इंडिया तो बहुत इन चीज़ों को बहुत केयर करता है ना भैया, अरे भाई ये कौन सी उंगली लगा रहा है क्यों लगा रहा है भाई, ये तो दो है। तो अब ये नया दौर है जैसे हर चीज़ डेवलप हुई है आगे को बढ़ी है, इस तरह हमने उसके लिए ट्राई मैंने किया कि इसके 4 उंगली इस्तेमाल हों दोनों हाथों की, तो एक कायदा मैंने अपने तौर पर बनाया है, चाहे हो सकता है गलत हो उस्ताद लोग नाराज़ भी हों, बहरहाल मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए ये बनाया है कि ये अगर पहले तबला प्लेयर अगर इस बोल को बजाएंगे तो वो दोनों इन फिंगर से बजाएंगे, बट इसको मैंने अपनी सोच के मुताबिक चारों तरफ बांट दिया है ऐसे,
درجے کے حساب سے یہاں نیچے یہ بجایا تو اس کا اوپر درجہ اس کا کیا بن جائے گا اس کا اوپر درجہ یہ بن جائے گا اس طرح کا بس پریکٹس کے لیے یہ ایک قاعدہ ہے عمل میں نے بنایا ہے اپنے شوق کے لیے کبھی کبھی بجاتا ہوں میں راگ میں طاقت ہے یہ جادو ہے علم یہ میوزک موسیقی جو ہے علم جادو ہے جسے بولتے ہیں کہ روح کی غذا ہے تو غذا جب بھی ہوتی ہے کوئی پاور ہو تو غذا ہوگی نا یہ بزرگوں نے ایسے نہیں بنایا اس علم میں بہت پاور ہے علم ہے میرے استاد جی ڈھولک کے استاد تھے استاد نذیر حسین وہ بہت اچھے آدمی تھے بہت اچھے آدمی تھے ایک درویش آدمی تھے انہوں نے ہمیں جب بھی کوئی بات بتانی یہی بتانا بیٹے رزق روزی نصیب کا ہوتا ہے اور پیار منافع کا ہے کسی دوست کسی استاد کسی یار دوست میوزیشین آرٹسٹ کے ساتھ بیٹھو تو اسے پیار کرو الفت کرو یہ منافع ہے اس کو نہیں ضائع کرنا تو جو اگر اس میوزک کی دنیا میں پیار نہیں کرنا جانتا اس کے گانے میں اس کی کسی چیز میں لطف نہیں ہوگا ہمارا پنجاب گھرانہ جو ہے ان سے میرے استاد جی سے ملاقات ہوئی اس سے پھر ہمیں تھوڑا انہوں نے مجھے کہا یار تم تبلا بجایا کرو مگر وہ ہمیں انہوں نے حکم ہی صرف دیا اور یہ ان کے آرڈر کی میں ان کی زبان ایسی مبارک تھی میرے لیے کہ میں اب تھوڑا بہت بجاتا ہوں میں ماسٹر نہیں ہوں اتنا استاد بڑا نہیں ہوں یہ میں گزارا کر رہا ہوں یہ ایک بہانہ ہے تو ابھی میں سیکھ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اور بھی ملے تو میں سیکھوں یہ ایسا کام ہے بہرحال وہ ان کے یہ زبان سے نکلی ہوئی بات ابھی تک چل رہی ہے میں تھوڑا بہت بجا رہا ہوں تو قدرت نے ایسا کوئی ٹائم ہی نہیں دیا کہ میں ان کے پاس بیٹھ کے کوئی بیٹھ کے کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا کیونکہ وہ بھی مصروف تھے وہاں فلم سیکھے ہمارے بھی اب بال بچداری کا مسئلہ ہو گیا تھا میرے بچپن میں والد صاحب فوت ہو گئے پھر میں اپنے گھر کی ذمہ داری میرے سر پر تھی تو اس کی مجبوری کے تحت میں ان کے پاس بیٹھ کے کچھ سیکھ نہیں سکا باقی ان کی زبان سے چلا ہوا لفظ یا بھی میں کچھ تھوڑا بہت روٹی کا بہانہ ایک بنا ہوا ہے ہم ماسٹر ماسٹر تو نہیں ہوں بہرحال یہ کہ لوگ مجھے پیار سے خان صاحب جی کہہ دیتے ہیں مگر میں خان صاحب نہیں ہوں میں بہت مسکین آدمی ہوں بہر اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے چانس دیا میں لندن گیا ہمارے وہاں پاکستان کے بہت فیمس آرٹسٹ ہیں عطاء اللہ سہیلوی تو اس کو جب وہ شروع ہوا تھا ہم اس کے ساتھ بجاتے تھے ہمارا ایک گروپ تھا ایک میرے ساتھ دوست تھے میرا ایک شاگرد تھی وہ ان کا نام تھا سلیم سا نام تھا مگر سوا لاکھ ان کا تخلص تھا اس کا تکیہ کلام تھا سوا لاکھ وہ بہت اچھا کھنجری اور یہ چھوٹے موٹے انسٹرومنٹ بجاتا تھا اور ایک تبلا پلیئر تھا میرے ساتھ میں ان کے ساتھ ڈھولک بجاتا تھا تو ہم انگلینڈ گئے وہاں ٹور کیا اس کے بعد پھر واپس پاکستان گئے تو یہ جو ادھر آنے کا چانس قدرت نے بنایا کہ ایک گروپ کشمیری گروپ آیا ادھر کشمیر کا گروپ جو بنا کے انہوں نے میوزیشین وہ لوگ وہ آئے ان کے ساتھ ہم ادھر آئے تو ادھر آ کے پروگرام وغیرہ ہوا یا نہیں ہوا تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے جو بھی ہوا باہر واپس جا رہے تھے تو ادھر ہمارے پاکستان کے ہمارے پنڈی کے ہمارے شاگردی کی طرح وہ ہماری عزت کرتے تھے اور ان کے استاد ہمارے ساتھ ریڈیو میں کمپوزر تھے تو اس وجہ سے ہمیں وہ بھی استاد جی کہتے تو وہ ادھر تین بھائی ہیں بڑے بھائی کا نام داؤد ہے اور چھوٹے کا نام حفیظ ہے اور چھوٹے کا نام ہے عزیز تو اب عزیز پیر زیادہ وہ گاتے ہیں وہ میرے دوست تھے انہوں نے مجھے دیکھا او استاد جی تم ادھر آ گئے ہو تو کب آئے ہو بس میں نے کہا یار آ گئے ہیں ایسے بہانے سے کہتا ہے بس ابھی جانا نہیں یہ ہمارے دو چار پانچ پروگرام ہیں کر کے چلے جانا وہ دو چار پانچ پروگرام کے حساب سے اب وہ پھر انہوں نے مجھے گھر میں ان کے میں رہنے لگ گئے میں پانچ سال ان کے گھر رہا میں انہوں نے میرے ساتھ وہ پیار کیا کہ جیسے کام ہی لوگ اپنے میرے اپنے بھی ہوتے نہ کرتے کہ ہم پروگرام پہ جاتے تھے ان کے ساتھ تو اوپر سے مطلب لوگ خوشی ہو کے تو جو پھینکتے ہیں آپ کو تو معلوم ہے ہمارے ملک کی تو وہ چاہے 700 بن جائے 800 بن جائے 1000 بن جائے 200 وہ میرے سے نہیں لیتے تھے وہ کہتے تھے استاد جی آپ کا خان صاحب تو $200 وہ پروگرام $150 وہ مجھے اپنے پروگرام کا اپنے پلے سے بھی دیتے تھے تو ایسے حساب سے وہ ان لوگوں نے میرے ساتھ اور کھانا وانا رہنا کپڑے وپڑے یہ سب کچھ ان لوگوں نے پانچ سال تک میرے ساتھ مہربانی کی وہ میرے لیے یہاں فرشتے تھے
नहीं तो मुझे कौन जानता ही नहीं था उस वक्त जब मैं तो अब तो अल्लाह की ये रहमत है कि आप मुझे उनके बाद से उनके बच्चे बच्चे आ गए तो फिर हम हो गए हम अलहता हुए तो उसके बाद ये रेस्टोरेंट में जब आया था तो मुझे जॉब मिलती थी मैंने नहीं की उस वक्त वो इसलिए कि उनके साथ प्रोग्राम पे हम जाते थे सैटरडे संडे उनके बहुत प्रोग्राम होते थे मैंने इस बात को इसलिए तरजीह दी रेस्टोरेंट को भाई एक तो बुजुर्ग लोग बोलते थे भी बेटे थोड़ा थोड़ा मिलता रहे तो बेहतर होता है कुछ पैसे भी हमें ठीक देते हैं वो ऐसी बात नहीं है और दूसरा हमने इसको मैंने इसलिए इसको तरजीह दी कि वहाँ आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई मेरी और बहुत आर्टिस्टों से मुलाकात हुई अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए वहाँ खाने के लिए उन्होंने सुना और उन्होंने फिर मुझे वो एक हमारा कनाडा से एक दोस्त आया था वो इंडिया गया इंडिया से रिकॉर्डिंग करके लाया बीना की ड्रम और एक गिटार की तो उसने मुझे सुना तो वो कहने लगा अगर आप चाहें तो वो कनाडा का रहने वाला है उनका अपना ग्रुप है वो कहने लगा अगर आप चाहें तो हम लोग आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे मैंने कहा ठीक है मैं चलेंगा मैं फिर गया उन्होंने फिर मुझे वो सुनाया भाई कहने लगे हम इसमें फीड करना चाहते हैं तबला तुम्हारा तो वो टेम्पो उन्होंने मुझे सुनाई तो मैंने उधर रिकॉर्ड करा उसके बाद फिर उनके साथ एक दो प्रोग्राम पे बजाया स्टेज प्रोग्राम वो नीडन बिलू नोट में उनका प्रोग्राम था तो मैंने उनके साथ बजाया एक दफ़ा नीडन फैक्ट्री में बजाया फिर और इधर एक दो ग्रुप हैं एक अमरीकन है रूसी ग्रुप है वो रूसी लड़के हैं उनका ग्रुप है उनके साथ मैंने बजाया तो यहाँ अभी अल्लाह की रहमत से ये इनके जो ग्रुप होते हैं डिस्को वाले जैज़ वाले और कंट्री ये सब म्यूज़िक मैं थोड़े थोड़े मतलब सुनता रहा हूँ और ये मेरी शुरू से मेरे उस्ताद जी की मेरे दुआ थी कि मैं सुनकर मैं सब कुछ मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सुनकर सीखा तो अभी मेरा ये है कि मैं जब किसी म्यूजिशियन को एक दफ़ा दो दफ़ा सुन लूँ तो मेरे रिकॉर्ड हो जाता है मैं उसको अपने फिर अपने तबले के स्टाइल में डाल देता हूँ तो इसमें जब लोग सुनते हैं तो खुश होते हैं अरे भाई ड्रम बीट यू प्ले हेयर ऐसे बस इस मेरा ये शौक है कि अभी तक मेरा ये फीलिंग है कि मैं जहाँ भी कुछ जाता हूँ सुनता हूँ और मुझे वो अच्छा लगे या जैसे भी हो अच्छा तो लगता ही है म्यूजिक अच्छा ही है हमारी वो लैंग्वेज नहीं है मगर टेम्पो और सुर तो वो हम दोनों जानते हैं और वो हम सुनते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि इसको हम अपने सांचे में डालें तो वो तकरीबन कोशिश करते हैं कभी कभी हमारी कोशिश अच्छी खूबसूरत हो जाती है अब ये इराकी लड़की आपको मैंने बताया था उसकी वो उसने मुझे एक दफ़ा इधर रेस्टोरेंट में आके सुना तो उसके बाद फिर उसने मुझे कहा कि मैं इंडिया गई हूँ मैं इंडिया रही हूँ वहाँ से मैंने ढोलक लाई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ स्पीड मैंने कहा ठीक है वो फिर एक दो मरतबा इधर आई इधर ही बैठ के हमने उसको थोड़ा बहुत लेसन दिया उसके बाद फिर मैंने देखा वो बहुत इंटेलिजेंस और बहुत फास्ट दिमाग लड़की है तो फिर मैंने उससे थोड़ा थोड़ा बता दे के बजाय एक दफ़ा मैंने उसको लिखा दिया अब उसके बाद ये कि हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उसने अरेंज किया उसकी को सहेली को दोस्त उधर अरेंज में था वो प्रोग्राम था वहाँ म्यूजिशियन थे म्यूजिक बजाना था और कुछ जर्मनी का ग्रुप था तो एक और कोई कहीं जगह का तो वो दो ग्रुप के सेंटर में हमें उन्होंने प्रोग्राम दिया मेरा और उराकी का हमने वो फिर बजाया 5 से 16 बीट उसका नाम उन्होंने बुक रखा तो हमने कहा चलो ठीक है बस वो उसके इस बात फिर राखी के साथ हमने उधर बजाया और बजाते रहते अभी वो एक और जगह वो कह रही थी प्रोग्राम हमारा और अरेंज होगा वह अभी देखो कब बजाते हैं तो हमें वो क्लाउड आपने वो देखा था ब्लैक मैन और ड्रम वाला उसके साथ भी हम कई दफ़ा बजाते हैं और वो जब भी उसका यहाँ कहीं नज़दीक प्रोग्राम हो तो वो आता है और हमें ले जाता है असल वजह यह है जानकारी क्या मैं अब किसी की
सबसे पहले तो मैं आप ही खुद कुछ नहीं जानता, मैं किसी को बुरा नहीं कहता ना मैं कहने के लायक हूँ कि मैं कहूँ किसी को, मगर ये बात ज़रूर है कि जो अपने कान या जो हमारे एक्सपीरियंस में से गुजरा है वो ये बताता है कि इन लोगों ने सीखा नहीं किसी से। जब आप इस फील्ड में हो, ये करते हो, तो इसकी थोड़ी तलाश भी करो। कोई अगर अच्छा बजाने वाला है तो उसे देखो, सुनो और उसकी कॉपी करने की कोशिश करो। अगर आपसे अच्छा बजाता है, अब मसलन मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं जब जाकिर हुसैन को सुनता हूँ, उस्ताद अल्लाह रिखा जी के कोई कैसेट सुनता हूँ, और अपने उस्ताद जी के कैसेट है मेरे पास, मैं कभी कभी सुनता हूँ। तो जब भी किसी अपने वाले को सुनता हूँ तो मुझे एक आध बोल मिल जाता है, मैं उसकी प्रैक्टिस करके बजा सकता हूँ और बजाता हूँ, ट्राई करता हूँ। ये मैंने आपको अर्ज किया कि मैंने जो भी बजाता हूँ मैंने ये ऐसे सुन के बजाया है। मेरे उस्ताद जी के पास मुझे टाइम नहीं मिला बैठने का, सिर्फ उन्होंने मुझे दुआ ज़रूर दी है कि उनकी दुआ मेरे साथ चल रही। तो मैं जो करता है शख्स, जो भी शख्स है जिसके जहन में ये हो कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं फनकार हूँ और मैं खान साहब हूँ, उसका लेसन और उसको सबक और उसका जो कुछ भी है वो स्टॉप हो जाता है। बल्कि वो जो आता होता है, जो होता है उसके दिमाग में, वो भी जाता रहता है। सब आइडिया से बजाते हैं, सीख के बजाया किसी ने नहीं है, इनमेल से। क्योंकि जो भी सीखता है, जो भी किसी उस्ताद से सीखता है, उस्ताद उसे तरीकाकार बताता है, तो ये पलटा ऐसे करना है, उसके बाद ये दर्जा इसका है। अब जैसे सारे गामा ये फसल है, तो उसको सेकंड दर्जा उसको हम बोलते हैं, आप जानते हैं सारे गामा, सारे गामा ये सेकंड दर्जा, एंड उसके बाद सारे गामा पता नहीं सर, ये फोर स्टेप होते हैं। तो अगर फोर स्टेप नहीं तो कम से कम दो स्टेप तो वो समझें और उसको देखें। अगर उस्ताद किसे सीखा जाएगा तो वो फोर स्टेप ज़रूर बताता है, ये पहला लेसन होता है। हमारा तो ये एम है, हमारी सोच है कि हमें जो आता है, जो हमारे पास कोई भाई आ जाता है सीखने के लिए, हमारा बेटा है, दोस्त शागिर्द, तो हम उसे पहले टेम्पो ही बताते हैं और दर्जा ही बताते हैं कि इसके एक बोल जो है उसको चार दर्जे में कैसे बजाया जाता है। तो जो सीखेगा उसको ज़रूर मालूम होगा कि दर्जा क्या चीज़ है। आपको रेस्टोरेंट में काम करना अच्छा लगता है या आप चाहते हैं कि जल्दी छोड़ के जाएं? काम का तो ये है कि काम, हम आर्टिस्ट हैं, हम म्यूजिशियन हैं, हम कहीं भी हो हम करते हैं और करेंगे। क्योंकि आप बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। अच्छे तो खैर हम क्या हैं, ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है, और आपकी मेहरबानी, आप प्यार से अच्छा हमें कह रहे हैं। बाकी ये है कि अब ये अच्छे आर्टिस्ट होने से ये नहीं कि हम काम भी छोड़ देंगे। आर्टिस्ट अच्छे जो हो गए तो काम छोड़ दें, तो ये कम अज़ कम हमारे हमारे मुल्क के हिसाब से, हमारे वतन के हिसाब से हमें अब भी पैसे ठीक मिल रहे हैं। अब जहाँ जितने हम वीक के इधर लेते हैं इनसे, उतने हमें उधर महीने में तनख्वाह मिलती थी, मिसलन हमारे रेडियो एंड टेलीविज़न जब हम पाकिस्तान में हम काम करते थे। तो उस बात को मद्देनज़र रख के हम कहते हैं ठीक है, बेहतर है, कम अज़ कम कुछ मिलता तो है। तो बुज़ुर्ग लोग कहते थे भाई पहले से बेगार ही अच्छी है, तो हम बेगार समझ के ही भी काम एक ऐशाए करें मगर कर रहे हैं, पैसे हमें ठीक मिलते हैं। और ऐसे ही हमें अल्लाह की रहमत से वहाँ इस रेस्टोरेंट में, ये सबसे बड़ा हमारा मेरा क्रेडिट है ख़ास करके कि $100 टिप मुझे रेस्टोरेंट में $100 टिप दी कुछ लोगों ने, सब लोग। ये पहले तो ये हमारे रेस्टोरेंट वाले को कहने लगे, ओ हुसैन भाई $100 टिप, ओ माय गॉड। तो ये मेरे लिए एक किस्म का क्रेडिट है और इज्जत है मेरी कि लोग वो लोग प्यार करते हो, तो उस हिसाब से हमारा ये मैं भी बेहतर है पहला ऐसे फारग रहने से बेहतर है। वहाँ पर जा रहे हैं बस, अब यहाँ तो जैसे ये लोग हैं इनके साथ गुजारा है। देखो अभी कोई अल्लाह करे कोई ऐसा म्यूजिशियन अच्छा मिल जाए कि जिसके साथ हमारा साथ हो जाए और हम, हो सकता है ये भी छोड़ दें। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक सीढ़ी बनाऊँ जिसमें तकरीबन सब बीट इस्तेमाल किए जाएँ, असूल ताल से लेकर तो तीन ताल के आखिर बलमपत से लेकर तीन ताल, पाँच छः सात आठ सब बीट बजाएं हम। और तकरीबन ये मेरा है कि ये सोच थी कि एक हमारा इंडिया, दो इंडिया के म्यूजिशियन हो, एक अमेरिकन हो, एक मतलब सब कंट्रियों का एक एक म्यूजिशियन हो मिलके, तो एक मेलोडी बजाएं और सब कंट्रियों के इंस्ट्रूमेंट हैं, डिफरेंट स्टाइल है उनका बजाने का, और वही मेलोडी वो अमेरिकन म्यूजिशियन बजाए, वही मेलोडी अदर म्यूजिशियन, सब म्यूजिशियन वही मेलोडी बजाए, और उसके बाद ये असूल ताल से लेकर सब ताल जो हैं हम उसमें इस्तेमाल करें।
ये बहुत देर की मेरी मतलब है ये प्लान है सोच है मगर पोजीशन यहाँ ये है कि इधर तो हर आदमी का टाइम बहुत कीमती है पहले तो पोजीशन मिलता ही नहीं है अगर कोई मिल जाए तो बेचारे के पास टाइम ही नहीं होता तो ये 10 साल से मैं अभी ये सोच रहा हूँ तो आप जैसे फरमा रही हैं कि वो चार म्यूजिशनों मिल के बजाएँ तो ये तो यह है कि कोई ऐसा प्रोग्राम बन जाए तो म्यूजिशन एक जगह जमा हो जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है हम कर बजाने को तैयार हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहे 10 म्यूजिशन हो चाहे 50 हो जिसमें जितने म्यूजिशन हो अच्छा है इस्तेमाल किए जाए मगर म्यूजिशन हो सिर्फ ये वो देखने वाले ना हो बजाने वाले से एक वो लतीफा है एक छोटा सा पोजीशनों का ही है वो सब लोगों ने सितार एक प्रोग्राम था स्टेज पे तो एक आदमी गया उसने अपना कुछ सितार बजाया और वो आ गया और दूसरा गया उसने वो तीन ताल में कुछ और इंस्ट्रूमेंट सब इंस्ट्रूमेंट बजाए एक मेलोडी बजाए तो एक सितार प्लेयर और सब कंट्रियों के वहाँ चल के स्टेज पे गया और वहाँ बैठ के उसने एक सुर पकड़ लिया एक नोट तो उसको ऐसे बजा रहा है इतनी देर से एक ही तार बजा रहे हैं कुछ आगे पीछे कहता है भाई वो लोग जो है वो लोग तो सुर ढूंढ रहे हैं उनको अभी ढूंढने से मिला ही नहीं सुर मैंने तो ढूंढ लिया है इसको बजा रहा हूँ तो वो ऐसा सुर ढूंढने वाला म्यूजिशियन ना हो म्यूजिशियन और जो बजाने वाला हो तो वो अभी हमारी सोच है देखो कोई अल्लाह करे कोई चार म्यूजिशियन मिल जाए तो हम अगर कोई अच्छे म्यूजिशियन मिल जाए तो ज़्यादा नहीं थोड़े भी मिल जाएंगे तो हम इंशाल्लाह एक सीडी बनाएंगे एक याद छोड़ेंगे अपनी जो हमें अपने उस्तादों और बुजुर्गों और हमारे मेहरबानों से जो कुछ भी मिला है वो हम इंशाल्लाह इधर चाहते हैं कि छोड़ दें कोई जो लोग ये समझने वाले हैं कोई थोड़ा सा हमारे इसको सुने तो वो भी अपना कुछ ट्राई करें कुछ स्टाइल बदलें अब बजाते तो सभी हैं दो बीट ही बजाते हैं वन टू मगर बजाने का स्टाइल थोड़ा बहुत अलहदा होता है जैसे जुबान का है जैसे लैंग्वेज है आप वही बात उर्दू में करें तो उसको और मैंने वही है मगर बोलने का तरीका कुछ और है और वो इंग्लिश में करेंगे तो इसके बोलने का कुछ तरीका और मैंने वही है तो ऐसे ये है बजाने का टेम्पो अलहदा नहीं है टेम्पो सेम है बाकी बजाने का तरीका कार है अपनी अपनी लैंग्वेज के मुताबिक अपनी अपनी कंट्री के मुताबिक है अमेरिकन लोग जैसे रिदम को और जैसे टेम्पो को ये लोग समझते हैं हमारे भी समझते हैं मगर हमारा कुछ ऐसे डिफरेंट है कि ये तकरीबन ये बजाते हैं 4-3 ज़्यादा बजाते हैं और हमारे जो है वो हमारा ये ऐसे है कि वो जो क्लासिकल लोग हैं वो जो भी चीज़ है उसमें गाना गाना चाहें वो गाते हैं वो चाहे गाना चाहें दुर्बित वो गाना चाहें 14 मात्रे में यो गाना चाहें आड़े में चौताले में एंड 5 ताल की सवारी लगवा लें वो लगाए तो चाहे तो कोई भी मतलब 13-14-15 हर ताल में वो गाते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग ये तरीकाकार मिक्स हो के गुलदस्ता बन जाए तो मेरे ख्याल से ये नई बात होगी